महामारी कोरोना से मुक्त राज्य सिक्किम में 15 जून से स्कूलों और कॉलेजों को दोबारा खोलने का ऐलान हो गया है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि फिलहाल 9वीं से 12वीं कक्षाएं फिर से शुरू हो जाएंगी, जबकि नर्सरी से 8वीं तक की कक्षाएं अगले आदेश के बाद ही शुरू होंगी। राज्य सरकार ने सभी शिक्षण संस्थानों को खोलने का फैसला लॉकडाउन के चौथे चरण में लिया है। इस मामले को लेकर शिक्षा मंत्री कुंगा लेपचा ने बताया कि यह फैसला सभी बड़ी कक्षाओं और बोर्ड की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में सभी स्कूल और कॉलेज को 15 जून से दोबारा खोला जाएगा। इस निर्देश को लागू करते हुए हम 9वीं से लेकर 12वीं कक्षाएं शुरू करेंगे, लेकिन नर्सरी से 8वीं तक की क्लास भी नहीं होंगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि बाकी कक्षाओं के लिए ऑनलाइन क्लास जारी रहेंगी। राज्य शिक्षा मंत्री ने बताया कि वार्षिक परीक्षाएं फरवरी 2021 तक टाल दी गई हैं, जिससे अध्ययन पर ज्यादा फोकस किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी दो शिफ्टों में चलेंगी। इस दौरान सभी लोगों को जरूरी इस निर्देश का पालन करना होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस वक्त देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कोरोना वायरस लॉकडाउन लगाया गया है। इस वक्त देश में चौथे चरण का लॉकडाउन चल रहा है। इस संक्रमण से समूचे देश में 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो गए हैं। महाराष्ट्र राज्य में कोरोना के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। इस वक्त सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने पर सभी को जोर दिया जा रहा है। अभी तक इस वायरस का कोई इलाज नहीं मिल पाया है, ऐसे में सभी लोग एहतियात बरत रहे हैं। लॉकडाउन के चौथे चरण में सरकार ने काफी ढील दी है। अब 1 जून से ट्रेनें चलाने के लिए बुकिंग भी शुरू हो चुकी है, वही घरेलू उड़ानें फिर से शुरू करने के लिए भी बुकिंग शुरू हो चुकी है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।